तो गाइस यहाँ पे बर्तन हम लोग आके धोते थे। गाइस पहले सीसीटीवी नहीं था, छुट्टी से मैं इसी का इंतजार रहता था। इसका सीधे में पढ़ते थे हम, सुबह 8 बजे से 3:45 में छुट्टी रहता है। यहाँ पे कॉलेज भी है। हाय गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पाल ब्लॉग में। तो मेरा दोस्तों का फरमाइश था कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे, जो स्कूल में पढ़ते थे, सन जोन्स हाई स्कूल नवाटाड, वहाँ का ब्लॉग बनाया जाए। तो आज हम वही स्कूल के बारे में आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। तो वो स्कूल कुछ इस प्रकार से बाहर से दिखता है। देखिए ये गेट है सामने वाले, इधर पूरा घेरा किया हुआ है और कुछ खाली जगह यहाँ पर कुछ ऐसा है। देखिए गाइस, बिना लेट किए चलिए वीडियो करते हैं शुरू। एंट्री गेट है गाइस, तो कुछ इस प्रकार से है एंट्री है। और इधर साइकिल पार्किंग होता है यहाँ पर, और इधर कुछ प्रोग्राम सब होता है। और उधर आगे पानी है, पानी की सुविधा, खाना उन्हें उधर साइड में मिलता है। और इधर क्लास है, इधर 9th 10th सब क्लास है। तो हम सबको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पढ़ते थे। मेन एंट्री के सामने एक स्टैचू बनाया हुआ है, संत मनफोर्ट के स्टैचू बनाया गया है। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे करीब से किस प्रकार से है यहाँ का सीन। ये चरनी पहले बन चुका है, देख सकते हैं। ये चरनी है गाइस। सीन कुछ इस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से यहाँ का सीन है गाइस, देख सकते हैं। इधर फूलों का बगीचा, साइकिल रखा जाता है, और इधर जनरेटर है, बड़ा जनरेटर स्कूल को बिजली पूर्ति करने के लिए स्कूल में। उधर 9th 10th है, उधर 7th 6th सब उधर। और हम जब पढ़ते थे गाइस, तो इस समय यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये नहीं था किया हुआ। गाइस पहले सीसीटीवी नहीं था, हम पढ़ते थे उस समय। लास्ट में निकलने समय सीसीटीवी सब लगा है। इधर बड़ा सा सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ, 2 सीसीटीवी यहाँ पे हेड ब्रदर रहते हैं। और यहीं पे प्रार्थना और रत्ना होता है। प्रार्थना का स्थान कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है। सारे स्टूडेंट सुबह सुबह प्रार्थना के लिए रहते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट हेड ब्रदर रहते हैं। और ये देखिए गाइस घंटी, छुट्टी समय इसी का इंतजार रहता था। और उधर ऑफिस जो परीक्षा का जो फीस लगता था, उस पानी पीने का कार्यालय देख सकते हैं गाइस। ये देखिए टॉयलेट का भी सुविधा है। इधर गर्ल्स के लिए टॉयलेट है, और इधर जेंट्स के लिए टॉयलेट है। इधर पानी के लिए सुविधा है, इधर साइड में देखते हैं। बहुत दिन हो गया इस स्कूल से निकले हुए, तो इतना याद भी नहीं, बहुत चेंज हो गया है। हेड ब्रदर अभी सुबोध कच्छप है। इधर भी पानी पीने का सुविधा है। यहाँ पे जनरेटर रहता था पहले, अब तो बड़ा जनरेटर आ गया है। तकरीबन यहाँ 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और ये देखिए, देख सकते हैं पेशाब करने के लिए बनाया गया है। टॉयलेट है अंदर, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉयलेट। इधर तो पेशाब करने के लिए तो पूरा भरा पड़ा है, 50 होगा इसमें। जिस प्रकार से बोर्ड यहाँ पे, पंखा का भी सुविधा है यहाँ पे।
देख सकते हैं बेंच टेबल किसका है। क्लास के सामने कुछ महान हस्तियों का फोटो लगाया गया है और उसके बारे में लिखा गया है और सीन कुछ इस प्रकार से है का, इस प्रकार से दिखता है गैस देख सकते हैं। लड़का लोग है हम वहाँ पढ़ते थे, वो जो गली दिख रहा है ये वाला इसका सीधे में पढ़ते थे हम एक इस क्लास में शायद सेवेंथ क्लास था एट क्लास था और उधर हम किनारे उधर पढ़ते थे वहाँ पर। तो हम लोग अब इधर से जा रहे हैं नीचे की ओर और कुछ दिखाते हैं और स्कूल के बारे में कुछ और बताते हैं हम लोगों को। तो गैस इस स्कूल में पढ़ना है और इस स्कूल पार्क जैसा है, इसमें पढ़ने में मज़ा आएगा। आराम जो फूल पौधे तरह तरह का फूल और पेड़, छोटा सा घंटी लगता था 12 बजे तो हम लोग यहाँ पे आके बैठा रहते थे। ये कटहर का पेड़ है और यहाँ पर भी आके बैठते थे। जगह सामने में यहाँ मछली रहता था पहले, यहाँ पे पानी पीते थे वहाँ से और ये कटहर का पेड़ के नीचे बैठते थे हम लोग। जो घंटी टिपिन उपिन बोलते हैं लगता था उस समय, यहाँ पे पूरा मतलब ऐसी गमला लगाया गया था यहाँ पे फूल था पर उस सब को चेंज कर दिया गया और वहाँ पे ढलाई कर दिया गया। तीन गली है, एक वहाँ से एक यहाँ से और यहाँ। तो गए यहाँ पे बर्तन हम लोग आके धोते थे, खाना खा देते हैं, खिचड़ी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे साइकिल पार्किंग के लिए इतना बड़ा जगह, खाली जगह जितना दिख रहा है पूरा भर जाता है और उधर एक और स्टैंड है उधर भी भर जाता है। और इधर हम लोग लाइन लगते थे, यहाँ से लाइन लगते थे पूरा वो जो आगे तक दिख रहा है उधर तक लाइन लगते थे। इधर हॉस्टल है इधर आगे में और इधर इंग्लिश मीडियम खुला है, इंग्लिश मीडियम यहाँ खुल चुका है 1 से 5 तक। इधर इंग्लिश मीडियम खुल चुका है गाइस। इधर खाना खाते थे तो इधर खाली था, ये सब नहीं बना हुआ था और हम लोग इधर पूरा खाना खाते थे इधर पूरा। और ये बड़ा कुआं है यहाँ का स्कूल का, पहले ही कुआं से पानी पुराया जाता था। मैं उससे बहुत कच्छप हेडमास्टर थे और वो अभी तक है, यहाँ का पूरा लगाया हुआ है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस। अभी ये खिला नहीं है, ये फरवरी मार्च तक में पूरा ये बड़ा होता है और फूल खिल जाता है। तो ये रास्ता है आगे जाने के लिए। यहाँ क्रिसमस का सजाया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। ये गेट है देख सकते हैं बाहर के,
संत जॉन्स इंटरमीडिएट कॉलेज है यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है। हम पढ़ते थे उस समय यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करता था, तो आप छोटा छोटा डेस्क से यहाँ पर पढ़ाई शायद होता है। ये पूरा खाली था, आगे तक हॉल है, पूरा लंबा था। कुछ प्रोग्राम होता था तो हम लोग यही प्रोग्राम में पानी के बाहर आता था, प्रोग्राम होता था तो बाहर जब प्रोग्राम होता था तो पानी आता था, तो हम लोग यही आके फिर दोबारा से यहाँ प्रोग्राम को सेट किया जाता था, या कोई भी फंक्शन बड़ा फंक्शन होता था तो हम लोग यहीं पे प्रोग्राम होता था। तो अब तो दो नोटिस बोर्ड है, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ देख सकते हैं और एक उधर है, दिखाए हैं आप लोगों को पहले। तो गाइस हम पढ़ते थे ए में, यही क्लास में, गेट है यहीं पर और यहीं पर हम लोग पढ़ते थे हम। ये है टेंथ, हम टेंथ में थे, हम एक खिड़की के पास पढ़ते थे, वहाँ एक खिड़की है वहीं पर बैठते थे। और बहुत सारे किताब यहाँ पर छिपा हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर क्लास भी होता है और कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पे। 300 विद्यार्थी मैट्रिक का परीक्षा यहाँ से देते हैं और यहाँ बहुत सारे स्टाफ। और तो गाइस मेरा चैनल में जो नए हैं वो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे स्पोर्ट भी होता है और हर साल बड़ा स्पोर्ट भी होता है, जो बहुत दूर दूर का स्कूल का लड़का लोग आता है, वहाँ पे स्पोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है, डांस सब होता है, भाला उला फेंकना वगैरह। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग छुट्टी होता था स्कूल के बाद, उसके बाद हम लोग यहाँ पे खेलने आते थे। तो अब घेरा हो चुका है यहाँ पे, पूरा मैदान बदल चुका है, यहाँ से घेरा हुआ है पूरा, वहाँ पूरा बाउंड्री चारों तरफ लगा हुआ है और वहाँ पे कोना में CCTV लगाया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। और NCC क्लास भी होता है यहाँ पे, तो NCC क्लास के लिए यहाँ पे अंदर आते हैं हरदम। और एक ब्रदर है स्पेशल स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट सब के लिए स्पेशल एक ब्रदर है जो लड़का लड़की को ट्रेनिंग देते हैं ताकि आगे जाके एक कोई आर्मी पुलिस बन सके। और मेरा दोस्त एक दोस्त भी है, दो दोस्त है, जो एक दोस्त है मेरा जो मुमताज अली, वो आर्मी में जॉब कर रहे हैं और फिलहाल वो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं अभी। लेकिन रोड यहाँ पे ख़राब हो चुका है पूरा, रोड यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ से टांगर बसली से उधर पचपदा तक नहीं बना है रोड। तो गैस ये स्कूल का नाम है सन जोन्स हाई स्कूल नवाटाड़। तो गैस हम यहाँ पे पढ़ते थे उस समय यहाँ पे पूरा झाड़ी था, यहाँ पे पूरा बाउंड्री सा झाड़ी किया हुआ था, यहाँ पे अब तो रास्ता बना दिया, यहाँ से पब्लिक निकलता है स्कूल का, विद्यार्थी लोग इधर से रास्ता बना दिया है और आगे जाके निकलता है, उधर से कोई घूमने नहीं खोजता है आगे जाके। तो बहुत सारे इधर से जाते हैं, ये 3 क्लास में है और ये 1 क्लास में। ये साइड में ही एक कुआँ है जो डेंजर है, पूरा खतरनाक है, इसमें संभल के यहाँ पे नहीं जाने से आदमी घुस भी सकता है यहाँ पे अंदर। तो गैस ये जगह को आप लोग पहचान रहे होंगे जो बहुत पुराना हो गया है निकल के यहाँ से। तो यहाँ पे एक साइकिल दुकान था, वो नहीं है, वो मेरा खालू था, अपना खालू जो अब ये दुनिया में नहीं है। और इनका दुकान भी ख़त्म हो गया, देखिए कटहल का पेड़ है, ये होटल है, होटल तो चलता है थोड़ा बहुत, और आगे एक होटल है वो भी चलता है थोड़ा बहुत। इस विद्यालय में विद्यार्थियों का एडमिशन अप्रैल महीना में शुरू होता है,
और वहाँ पे पहले टेस्ट देना होता है, उसके बाद जो सिलेक्शन होते हैं उसके बाद रिजल्ट निकलता है, जो पास होते हैं उसको एडमिशन किया जाता है और ड्रेस व्रेस सब मिलता है। होटल सब चेंज हो चुका है, दुकान सब भी ये देख सकते हैं, यहाँ का सीन को कुछ इस प्रकार से है। ऐसे यहाँ पे क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है, जो स्कूल हम बताए हैं वो स्कूल 1964 से शुरू हुआ है जो अब तक चालू है। उसमें 17 हेडमास्टर चेंज हुए हैं, 17 हेडमास्टर चेंज हुए हैं। तो हम भी जा रहे हैं घर की ओर, मेरा घर यहाँ पे अभी में है, स्कूल से 1 किलोमीटर का दूरी में है। सायरन बज जाता था उसके बाद हम लोग निकलते थे, फिर मार भी खाते थे लेट से पहुँचने से, हेड ब्रदर मारते थे, गेट के सामने खड़ा रहते थे, जो लेट से जाता है उसको पिटाई भी मिलता है वहाँ पे। अब घर की ओर जाते हैं।